Shri Krishna, Shri Krishna, Shri Krishna, Shri Krishna. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha. Ek to hota hai, Siddhanta ya principle. सिद्धांत को कहते हैं बेसिक साइंस. बेसिक साइंस में किसी चीज का निर्माण नहीं होता. बेसिक साइंस में हम जो है उसको पहचानते हैं. उसके बारे में जो अज्ञान है उस अज्ञान को हटा दिया और फिर जो तत्व है वो प्रकट हो जाता है. जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी न्यूटन ने पैदा नहीं किया, वो था ही. फिर उसके बारे में जो जानकारी की कमी थी उस कमी को हटा दिया तो लॉ ऑफ ग्रेविटी प्रकट हो गया. इसी प्रकार से शास्त्रों के अध्ययन में दो बातें होती हैं. एक तो सिद्धांत होता है, तो सिद्धांत की बात हमको बताइए आप. और फिर अब इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारना है. जैसे साइंस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ दैट बेसिक इंफॉर्मेशन टू आवर बेनिफिट. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसी प्रकार से शास्त्रों में शास्त्र और योग, इसीलिए हर एक अध्याय के पीछे में दिया रहता है. वह कहते हैं ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम ये ज्ञान है. महाराज जी आगे आइए, उनको लेके आइए आगे. उठो उठो. तो पहले तो साइंस बताया, अब इसका हमको एप्लीकेशन करना है. तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पहले साइंस बताया, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये अपरिहार्य है. और इसीलिए रोने धोने की कोई बात नहीं. ये सब बताने के पश्चात, ये तो बता दिया, अब इसका क्या करोगे? दूसरे को लेक्चर देंगे. जो हम सीखते हैं वो दूसरे को बताने के लिए सीखेंगे, तो नोट्स बनाएंगे और कहे देखो मैंने ये देखा. देखो, इसलिए सत्संग सुनते समय कागज में अब पेन से हाथ पेन से लो कुछ नहीं होना चाहिए, केवल एकाग्रता से सुनो. लेकिन दूसरे को बताना है तो फिर MP3 खरीद लो, 3-4 बार सुन करके फिर लिख लो. सुनते समय सुनना. अच्छा महाराज, फिर अर्जुन की जब बात आई, ये सब सिद्धांत बता दिया, अब सवाल ये है कि मैं क्या करूं? समझ में तो हमको आ गया है, मैं करूं क्या? अब इसके लिए भगवान कहते हैं अर्जुन को, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगा अस्तु अकर्मणि. ये सिद्धि टेक्नोलॉजी है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन लाइफ. When the knowledge is not applied in life, such a person is called as philosopher. And when the philosophy is applied in life, such a person is called as a wise man, philosophy. So here, we don't have to be a philosopher, but we have to grow wise. इस अध्याय में grow wise को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है. अब इस श्लोक में क्या बताया अर्जुन? चार बातें बताई हैं. पहली कर्मण्येवाधिकारस्ते, दूसरी मा फलेषु कदाचन, तीसरी मा कर्म फल हेतुर्भूः, और चौथी मा ते संगा अस्तु अकर्मणि. चार बातें. अब उसका विश्लेषण करेंगे.
हम यदि जो भी कर रहे हैं तो केवल सुख के आनंद के प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो उसी में ही पूरा जीवन चला जाता है। लेकिन सुख या शांति आपको मिलती नहीं, ऑन द कॉन्ट्रेरी ज्यादा परेशान होते हैं। तो इसका कारण यह है कि जीवन में सुख शांति को प्राप्ति का प्रयत्न छोड़ दो। फिर क्या करें, जो भी करना है अपने माध्यम से शांति को सुख को प्रकट करो। देखो, और हमारे तीन चैनल्स है जिसके माध्यम से हम अपने आप को प्रकट करते हैं कर्म के रूप में, शारीरिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म, तीन मतलब। तो शारीरिक कर्म जो है वो धर्मशास्त्र में आता है कि यदि तुम पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर हो तो आपके जो जो कर्तव्य है वो खुश होकर के करो, रोते रोते मत करो, या तो मत करो। देखो ये बहुत महत्व की बात है, करो खुश होके करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन दुखी मत हो। हम लोग एवरेज पीपल है तो हम क्या करते हैं, हम बाहर से दिखाते हैं कि हम खुशी खुशी कर रहे हैं लेकिन अंदर से एकदम फ्रस्ट्रेटेड है। तो ऐसा व्यक्ति, उसको एसिडिटी हो जाती है क्योंकि रिवोल्ट हो रहा है इनसाइड से। तो पहला इसका अर्थ है कर्मण्य वाधिकार से शरीर के लेवल पर धर्मशास्त्र के अनुसार चलो। इससे ये होगा कि बुढ़ापे में जाकर के आगे अपने जीवन में दो चीजों का अभाव होगा। एक तो मन में ग्लानि निर्माण नहीं होगी, ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि बुढ़ापे में हमारे पास बहुत समय होता है। तो उस समय जब कुछ है ही नहीं तो पुराने मुर्दे खड़े होते सामने, मालूम है उस आदमी को तुमने कैसा बर्बाद किया था, और वो मरते समय शाप दे गया था तुम भी ऐसे मरोगे। अब वो याद आ रहा है, अब उसका शाप याद आ रहा है, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो ये जो ग्लानि है ये सबसे ज्यादा दुख देने वाली वस्तु है। और दूसरी वस्तु होती है अपने किए का अभिमान, मैं ये करता हूं मैं वो करता हूं, मैंने ये किया मैंने वो किया। देखो तो ये दोनों से हटने के लिए इतना ही समझना है कि हम कर रहे हैं अपना कर्तव्य कर्म, तो कौन सी खास बात है, करो। देखो हमारे कलकत्ते की बात आपको बताते हैं। एक बात बहुत पुरानी बात है, हम गए किसी ऑफिस में किसी काम से कागजों को लेकर के, तो ऑफिस में गए तो सब लोग बैठे हुए थे मौन में शांत होकर के। तो मैं जिस क्लर्क के पास जाना वहाँ गया और फिर भी ऊपर देखने को तैयार ही नहीं। तो मैंने सोचा मैं इसकी नींद तो नहीं खराब कर रहा हूँ, सुबह का समय था। और फिर जाके खटखटाया टेबल को, फिर भी जवाब नहीं। तो फिर मैंने उसको हाथ से हिलाया, मुशाय मुंह नहीं खोला, केवल मुंह का भाषा। तो मैंने बोला कि ये कागज का काम करना था, तो उसने फिर मुख से साइन से बताया फैन घूम नहीं रहा, तब तक मुंह नहीं खोलेगा। देखो, और वो कौन थे बंगाल में मालूम है कौन लोग होते हैं, बैनर्जी, मुखर्जी, चटर्जी, रिफ्यूजी, लेकिन एनर्जी नहीं होती। तो उनका सिद्धांत यह है, होम टू होम, सुबह घर से निकले और शाम को घर को पहुंचे, ये गवर्नमेंट के टाइम में करना है। तो आपका यदि घर और ऑफिस से 2 घंटे का टाइम है तो सुबह 9 बजे निकलेंगे, 11 बजे पहुंचेंगे ऑफिस, ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स ओनली है, वर्किंग आई कैन नॉट गो अर्लियर, इट इज माय टाइम।
इसीलिए बंगाल का कभी उद्धार नहीं हो सकता, इसी में फंसे हुए। आलस्य, निद्रा, प्रमाद, लॉजिक, रीजन, प्रेम कहीं नहीं। तो यह जो हमको करना है, प्रेम से, शांति से करें, मौज में रहें। दूसरी बात, हम काम करते हैं वाणी से। देखो, हाउ यू ड्रेस एंड हाउ यू एड्रेस डिटरमिन्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। बहुत महत्व की बात है। बाबा जी का मान लो, ये नहीं कैसे फटे फटे कपड़े पहन जा रहे, फिर जंगल में जाके रहो ना। मनुष्य में रहना है तो प्रॉपरली रहना। तो कैसे हम बात करते हैं, आप इसका आपको एक उदाहरण देते हैं। एक बार हम किसी मारवाड़ी घर में थे, खाने के लिए पहुंचे, 12-1 बज रहा था, और उस घर की अगल बगल के 8-10 माताएं हमको घेर के बैठे थे। एक के बाद एक प्रश्न चल रहे हैं। हमने कहा, यार तुम लोग 2 रोटी दोगे, 20 प्रश्न पूछ चुके हो, इनफ इज इनफ, मत 2 रोटी, हम जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, समझो, गुस्सा मत करना। मैंने गुस्से की आवाज़ में, खाना तो नहीं खिला रही है। तो बोले, अच्छा आखिरी एक प्रश्न है, ठीक, एक आखिरी का। फिर बोले, स्वामी जी ऐसा क्या कारण है कि जब हम आपके साथ बैठते हैं ऐसे लगता है कि आपको सुनते ही रहे और आप जाए नहीं, बहुत आनंद आता है, क्या कारण है? अरे बताओ क्या कारण है। अरे हाँ बताइए, सुनो, घर में तुम्हारी बात सुनता कौन है? हस्बैंड तक तुम्हारी बात सुनने को तैयार ही नहीं, और बच्चों ने तुमको राइट ऑफ कर दिया, मामी यू डोंट नो एनीथिंग। देखो, इसीलिए तुमको हम अच्छे लगते हैं, क्योंकि तुमको फ्री सुनने वाला मिल गया। दूसरी बात, बाकी लोगों से बात करो तो आपकी बात काट करके वो अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देंगे। सुनेगा कौन आपकी बात? अपनी ही समझाएंगे, बोलेंगे। और जब आप हमसे बात करते हो तो हम अपने दुख के बारे में, परेशानी के बारे में नहीं बताते। इसीलिए आपको हम अच्छे लगते हैं। तो करें क्या? यही सिद्धांत तो अपने जन में उतारो। अगले व्यक्ति की बात प्रेम से सुनना है, ये साधना है कर्मण्य वादिकार। लेकिन होता क्या है, अपनी ही सुनाते, अपनी ही सुनाते। देखो महाराज, ये है गीता का ज्ञान जीवन में अप्लाई करना। ये नहीं होता, इसीलिए फिर लोग कहते, अरे भागो, ज्ञानी आ रहा है, भागो। और दूसरी महत्व की बात, अपने जीवन के दुखड़े किसी को मत सुनाना, कभी नहीं। अपने आप में रहो, मस्त रहो। ये हो गया कर्मण्य वादिका रस्ते, वाणी के स्तर पर और मन के स्तर पर। मन के स्तर पर माने, थिंक पॉजिटिव, डोंट स्टार्ट इन ए नेगेटिव मोड। पता नहीं वहां पहुंचेंगे कि नहीं, पता नहीं क्या होगा। अब पता नहीं तो मौज में रहो, और पता है तो तैयार रहो। रोने धोने की बात कहाँ है? लेकिन आदमी को यही एक आदत हो जाती है, यही स्वभाव बन जाता है। इसलिए ये अपने मन को पॉजिटिव थिंकिंग में लगाने का तात्पर्य है, बिगिन योर डे इन एन इंस्पायर्ड मोड। ऐसे नहीं, आज का दिन फिर जिंदा रहना है, देखो नहीं। एवरी डे वी बिगिन इंस्पायर्ड मोड। ये 3 चीजों को इकट्ठा करो तो आपने कर्मण्य वादिका रस्ते सीख लिया। और ये करना कितना आसान है, ये रोज नहीं करना है, सिर्फ आज के दिन करना है। क्योंकि आज के दिन ही हम जीते हैं, कल कोई नहीं जीता। ना तो आने वाले कल में कोई जीता है, ना तो बीते हुए कल में कोई जी सकता है। तो यदि आज के तारीख में रहना है और ये कंपलसरी है, तो मौज में क्यों ना रहे।
आप कल हैप्पी नहीं रह सकते, टुमारो हैप्पी नहीं हो सकते. व्हेनेवर यू आर हैप्पी, यू आर नेसेसरली इन द प्रेजेंट. देखो महाराज, खुशी का, प्रसन्नता का, मौज का कोई जेंडर नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई उम्र नहीं है. देखो, तभी जा करके हम अपने स्वरूप में फिट हो जाएंगे. कर्मण्ये वालिका नस्ते. तो इसका तात्पर्य निकला कि जीवन में सुख की अपेक्षा न करे, बल्कि इस सुख को अपने माध्यम से प्रकट होने का एक अभ्यास शुरू करें. कर्मण्ये वालिका नस्ते. फिर मा फलेषु कदाचन का तात्पर्य है, यदि आपने बढ़िया कर्म किया है तो उसका फल बढ़िया आएगा, चाहे आप जानो या न जानो, कर्म फल आएगा ही. तो करना क्या है, एक ही बात, जो आने वाला है उसको प्रेम से, आदर से स्वीकार करें. जो व्यक्ति स्वीकृति के लिए तैयार है उसको कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होता. देखो, ये बिजनेसमैन जब होते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाँ कभी होगा फायदा, कभी नहीं होगा, लेकिन यदि इसी चिंतन में पड़े रहेंगे पता नहीं होगा कि नहीं होगा कि नहीं, तो जिंदगी भर फ्रस्ट्रेट रहेंगे और थोड़ा बहुत इधर उधर नुकसान हो गया तो जाके आत्महत्या कर लेंगे. ऐसे कायर लोगों के लिए जीवन में नहीं है कुछ. माँ फलेषु कदाचन. अच्छा, हम जो कर्म करते हैं उसका क्या फल मिलना चाहिए, इसकी डेफिनेशन हम ही निश्चित करते हैं. मैंने इतना इतनी पढ़ाई करी तो मुझे इतने परसेंट मार्क मिलने ही चाहिए. समझो उतने परसेंट मार्क नहीं मिले तो रोना धोना शुरू. आप बढ़िया से बढ़िया करो और खुश होकर के जाओ परीक्षा देने के लिए. अभी कुछ दिन पहले एक लड़के ने मुझे फोन किया था, स्वामी जी मेरा कल फाइनल इंटरव्यू है, अब मुझे, मैंने तैयारी तो कर ली है, अब और मैं क्या करूं. हमने कहा तुम करोगे तो बताओ, मुझे आप जो बताएंगे मैं करूंगा. हमने कहा मूवी देखने को जाओ, एक बहुत बढ़िया मूवी है मिशन मंगल, उसको देख के आओ, उसके बाद बढ़िया होटल में जाके खूब डट के खाना खाओ और घर आकर के तान दुपट्टा सो जाओ और फिर चले जाना तुम्हारे इंटरव्यू के लिए फाइनल. उसने वैसा किया और मुझे बोला स्वामी जी यू आर ग्रेट. क्या हो गया, आई वॉज सिलेक्टेड. मालूम है क्यों, बिकॉज यू आर रिलैक्स्ड. व्हेन यू आर रिलैक्स्ड यू आर ऑप्टिमम. देखो एक उदाहरण देते हैं आपको, ये जो तंतु वाद्य होते हैं ना, जैसे वीणा है, वायलिन है, कोई भी हो, सितार है, उसके जो तार होते हैं उसको ऑप्टिमम टेंशन चाहिए. ज्यादा करेंगे तो टूट जाएंगे, ढीले रखेंगे तो कपड़े सुखाने पड़ेंगे उस पर. उसकी ऑप्टिमम टेंशन आवश्यक है, तभी उसमें छिपी हुई जो संगीत है बाहर आ सकता है. लेकिन जो बजाने वाला है उसको टेंशन नहीं चाहिए, वो रिलैक्स चाहिए. देखो, तो हम जगत में किससे काम करते हैं, मन के तंतु से, मन के धागे से. तो मन हमारा ऑप्टिमम टेंशन में होना आवश्यक है. लेकिन जो इस मन के द्वारा काम कर रहा है ही शुड बी रिलैक्स्ड. तब देखेंगे आपके जीवन में सफलता गारंटीड होगी. हमारा उल्टा होता है, हम टेंशन में होते हैं और हमारा मन लटक रहा है, उससे कुछ नहीं निकलेगा. कर्मण्ये वालिका नस्ते मा फलेषु कदाचन. अब तीसरी महत्व की बात, कर्म हमेशा वर्तमान में ही होते हैं, भविष्य में कुछ भी नहीं होता. मा फलेषु, फल हमेशा भविष्य में आता है. ये दोनों का अर्थ ये हो गया, आपको हमेशा वर्तमान में रहने का अभ्यास करना है. ये जो हमने आपको मंत्र दिया था, हम बताएंगे फिर से,
क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि आप करोगे भी। इतना ही है, जब हो, जो हो, जहां हो, 100% रहो। कोई कठिन नहीं है, अन्यथा हमारे मन इधर उधर भटकता रहेगा देश काल वस्तु। अब तीसरा जो सिद्धांत बताया है वो है मां कर्म फल हेतु भूहु। कर्म फल का हेतु माने कारण, कर्म फल के निर्माण करने के कारण मत बनो। देखो उसके लिए हमको ये जानना चाहिए कर्म किसको कहते हैं, तभी तो कर्म फल होगा। कभी हमने ये शब्द सुना है क्या, क्रियाफल? शब्द कर्म फल ही है, तो कर्म किसको कहते हैं? भगवान कहते हैं भगवद गीता में, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन नाप्नोति किल्विषम। अपने जीवन को सस्टेन करने के लिए, रहने के लिए, उसको ठीक से चलाने के लिए जो जो बेसिक आवश्यकता है, भूख लगी तो खाना चाहिए, ठंड लगी तो गर्मी गर्म कपड़े चाहिए, और गर्मी हो तो एसी चाहिए, दूर जाना है तो व्हीकल चाहिए, ये शारीरम केवलम कर्म, इसको करने से लेने से पाप पुण्य का निर्माण नहीं होता। पाप पुण्य का निर्माण कब होता है? भूख लगी लेकिन मुझे ऐसा ही खाना चाहिए, ये तो नहीं खाऊंगा, पाप निर्माण हो गए। देखो जाड़ा है तो कुछ गर्म चाहिए, लेकिन मुझे वही इंपोर्टेड शॉल चाहिए, ये तो मैं नहीं पहनूंगी। माने हमने जहां जहां चॉइस दिया है वहां वहां क्रिया को कर्म में कन्वर्ट किया है, और इसीलिए कर्म फल माने जब क्रिया के साथ मैं जुट जाता है तब क्रिया को कर्म कहते हैं। और कर्मयोग क्या होगा? इसलिए कर्मयोग ये होगा कि हम अपने क्रिया के माध्यम से मैं को प्रकट न होने दें। इसकी एक टेक्निक आपको बताते हैं, बहुत सिंपल टेक्निक है, थोड़ा बहुत ग्रामर पढ़ लें इंग्लिश में या फिर संस्कृत में। इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है? ये काम मैंने किया, मैंने ये काम किया, इसमें ये एक्टिव वॉइस, इसमें मैं महत्व का है, काम सेकेंडरी। पैसिव वॉइस क्या हो गया? अरे यार काम हो गया, अब किसने किया ये महत्व का नहीं है। देखो तो अपने जीवन में ये पैसिव वॉइस का प्रयोग करना है, भैया वो काम होने वाला था, अरे हो गया हो गया हो गया, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और यदि वो सफल नहीं हुआ बीच में इन्होंने टांग मारी थी। हम सभी के सभी अपने जीवन की असफलता का बोझा अन्य पर डालते हैं। देखो एक बार एक राजा शिकार करने के लिए गया, और उसके पश्चात जब उसने तीर लगाया सोचा कि वो शेर है, लेकिन जैसा तीर लग गया तो वो शेर नहीं था, वो एक गाय थी, तो गाय मर गई। तो गाय मर गई तो वहां गोहत्या पैदा हो गई, तो गोहत्या आकर के राजा को कहते कि राजन तुमने मुझे मारा है, मुझे स्वीकार करो। राजा कहता मैंने कहा मारा, ये तीर तुम्हारे अंदर गया, उसने मारा है। तो वो गोहत्या तीर के पास जाती है, तीर कहते हैं मेरी क्या क्षमता है, मुझे ये धनुष्य ने छोड़ा तुम्हारे तरफ। बिचारी जाती है धनुष्य के तरफ, तुम मुझे स्वीकार करो। बोले मैं तो इनर्ट हूं, जड़ हूं, मुझे क्या आता है, ये जिस हाथ ने खींचा है उस हाथ को उसके पास जाओ। तो गोहत्या राजा के हाथ के पास आती है, राजा का हाथ कहता है मैंने किया, मेरा कहाँ स्वतंत्र है, ये तो भगवान की शक्ति से हुआ है। तो वो गोहत्या भगवान की शक्ति के पास जाती है कि आपने मुझे निर्माण किया, स्वीकार करो। शक्ति कहती मेरा कहाँ स्वतंत्र अस्तित्व है, ये तो भगवान के कारण ही मेरी स्थिति है। भगवान के पास जाती है, भगवान
आपने मुझे निर्वाण किया, स्वीकार करो। भगवान को एकदम समझ में आया, अच्छा अच्छा चलो मैं स्वीकार करता। और राजा के पास आते और कहते, राजन तुम्हारी ये राजधानी कितनी सुंदर है, चौड़े रास्ते हैं, हाँ मैंने ये प्लान करके किया, चारों तरफ बढ़िया बढ़िया फूल बगीचे हैं, हाँ मैंने प्लानिंग करके ही बनाया, और तुम्हारे यहाँ कितनी साफ सफाई है, मुझे साफ सफाई का बहुत महत्व है, मैं ही करवाता हूँ, जो जो अच्छा है मैंने किया मैंने किया मैंने किया। ये गोहत्या वो मैंने नहीं करी। देखो संतो, महाकर्म फल हेतुर्भूः का तात्पर्य है अपनी जेल में जो हो रहा है ना, थोड़ा बहुत तो भगवान को क्रेडिट दो। 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधा च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम शरीर वा मनोर्भि यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चयते तस्य हेतवः तत्रैव सति कर्तारं आत्मानं केवलं तु यः। कोई भी आप कार्य करो, शरीर से वाणी से या मन से, अच्छा या बुरा कार्य करो, उसके पांच हेतु है, पञ्चयते तस्य हेतव, हेतु वाने कारण। शरीर चाहिए, अधिष्ठान कर्ता करने वाला चाहिए, फिर उस करने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, करण चाहिए, फिर पृथक चेष्टा, भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टा करनी पड़ती है, और पांचवी दैवम चैवात्र पंचमम। जब तक कि ईश्वर का अनुग्रह नहीं होता किसी भी कार्य में सफलता नहीं आती। देखो महाराज, हमको कितना अभिमान होता है। ये माँ बापों को देखो, एक बार दिल्ली की बात है, किसी स्कूल में एक बच्चा मेरिट क्लास में आया था, तो उसका आदर सत्कार करने के लिए स्कूल वालों ने बड़ा फंक्शन बनाया, हमको बुलाया था। हम वहाँ जब गए तो बच्चा भी था, उसके माँ बाप थे, ट्रस्टी लोग थे, प्रिंसिपल थे, बाकी क्लास टीचर्स थे, स्टेज पर 15-20 लोग और बच्चा था। मुझे कहने लगे, स्वामी जी बोलिए। बोले मेरा बोलने का टाइम नहीं है आज, आज आप लोग बोलो। तो फिर ट्रस्टियों ने शुरू कर दिया, हमने अपने स्कूल में इतनी बढ़िया फैसिलिटी दे दी है, इसका कारण ये है कि ये बच्चा मिनट में आया। तानिया बजी ट्रस्टियों को, फिर प्रिंसिपल, हमने सबको इस प्रकार से ट्रेनिंग दी है, इसका नतीजा ये बच्चा मिनट में आया। फिर उनके क्लास टीचर कहती है, हमने सबको बिल्कुल डिसिप्लिन में रखाया और डिटेल में पढ़ाया, इसीलिए फंस आया। फिर उसकी माँ, हम दिन रात भगवान की प्रार्थना करते थे और इसको रात को चाय कॉफी पिला करके मेहनत करते थे, इसीलिए फंस में आया। बाप कहता है, इसको मैंने कभी किसी चीज के ना नहीं कहा, लेकिन मैंने उसको प्रोत्साहन दिया है, यदि तुम मेरिट में आओगे तो तुमको मैं एक चॉकलेट दूंगा, इसीलिए वो फर्स्ट आया। ऐसा होते होते है, फिर बोले, स्वामी जी आप बोलो। तो मैंने कहा, आप बच्चे को बोलने दे, नहीं पहले आप बोलो। तो मैंने कहा, देखो बेटा, तुमने कुछ नहीं किया, सभी इन्हीं लोगों ने किया है, तुमने थोड़ा कुछ किया है, जहां सफलता है वो मैंने किया। फिर कहा कि कोई बात नहीं, अब तुम बताओ अपनी बात, ध्यान से सुनना। उस बच्चे ने जो बात कही इतनी बढ़िया कही, बोले, स्वामी जी हम आपको बताए, एक हमारे यहाँ टीचर है वर्गीस, मिसेस वर्गीस, जब मैं स्कूल में आया, 5वीं क्लास में आया मैं, और ये पढ़ाती है 9वीं-10वीं क्लास को या 11वीं क्लास को, उस समय मेरा उसके साथ संबंध भी नहीं था, लेकिन पता नहीं क्या उनको देख करके मुझे बहुत खुशी होती है, और मैंने अपने जीवन का लक्ष्य ही बताया, मिसेस वर्गीस को खुश करना है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य रहा। और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते फिर वो हमारी क्लास टीचर बनी और मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने कहा, तुमको अम्मा में मिसेस वर्गीस में क्या अच्छा लगा? अरे स्वामी जी, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है, उनके पास जाओ तो एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो ये देखती नहीं कि कौन से क्लास का किसका लड़का है, सबसे बड़े प्यार से बात करती है,
अपने इस व्यक्तित्व को डिजॉल्व करना ये अध्यात्म है। ये व्यक्तित्व को डिजॉल्व करने की प्रक्रिया को ही उपासना कहते हैं, इसी को कहते हैं भगवान की भक्ति। यदि ये हम नहीं कर पाएंगे तो हमको कोई भी जगत में स्थान नहीं है। तो माँ कर्म फल हेतु भोगो, ये हरि इच्छा से हो रहा है, फिर हमको कितना अहंकार होता, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। देखो माँ कर्म फल हेतु भोगो, और आखिरी चौथी महत्व की बात, माँ ते संगा अस्तु अकर्मणि, अकर्मणि माने निकम्मा, ते संगा तुम्हारा संग निकम्मे पंचे ना रहे। Never retire in life। इसकी आपको एक कथा सुनाते हैं। एक हमारे मित्र है, दक्षिणी है, कर्नाटक के हैं। वो पहले बंबई में थे, किसी कंपनी में, बड़ी कंपनी में, कंस्ट्रक्शन की कंपनी में। रिटायर हो गए, सिविल इंजीनियर। तो उनका जो डिनर था उसमें हमको बुलाया था। वो होने के पश्चात वो हमको वो बोलने लगे, खाना मिलना हो गया, फिर कहे कि मैंने अब ये निर्णय ले लिया है, आज के बाद मैं स्वामी जी की सेवा में लग जाऊंगा, मैं उनके कपड़े धोऊंगा, उनके लिए खाना बनाऊंगा, उनकी सेवा करूंगा, जो चाहिए मैं करूंगा, मैंने निर्णय ले लिया है। तो मैंने उनको कहा, मैं बोलूँ क्या अपने बोलूँ, हमने कहा क्यों मुझे परेशान करते हो, मेरे लिए यदि कुछ करना है तो मुझे जो चाहिए वो करो ना। देखो हमारी सेवा क्या होती है, अपना विचार दूसरों पर लादना, वो सेवा नहीं है। तो बोले क्या करें, हमने कहा कि देखो यदि मानना हो तो मानो, नहीं तो मत मानो। बोले बताइए आप, आपकी एक्सपर्टाइज जिस फील्ड में है उसी में रहो, मेरे कपड़े धोना झाड़ू से कुछ नहीं होता। फिर आज तक तुमने जो किया केवल स्वार्थ से प्रेरित होकर के अपने लिए किया ना, बोले हाँ, बोले आज के बाद यही काम तुम करो लेकिन अपने लिए नहीं मेरे लिए करो। बोले स्वामी जी मुझे जॉब का, जॉब तुमको मिल जाएगा, प्रयत्न करो, गारंटी देता हूँ तुम्हें जॉब मिल जाएगा। और हरी इच्छा से उनको कंस्ट्रक्शन की जॉब मिडिल ईस्ट में मिल गई। तो उन्होंने मुझे लिखा, स्वामी जी तुम आपके कहने के अनुसार मुझे जॉब मिल गई, अब मैं अमुक अमुक जगह में हूँ और मेरी इतनी तनख्वाह है, अब मुझे अगली आज्ञा क्या है। हमने कहा हम आपको 50% तनख्वाह मेंटेनेंस अलाउंस करके सैंक्शन करते हैं, और जो 50% है वो अब किसी अच्छे कार्य के लिए लगाओ। और मुझे पूछोगे अच्छा कार्य क्या है, ऐसे विद्यार्थी, ध्यान से सुनना, ऐसे विद्यार्थी जिनको किसी भी कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जा सकता, ना वो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब है, ना वो माइनॉरिटी है, ना वो बहुत इंटेलिजेंट है, ना जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, ना जिनके माँ बाप के पास पैसा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ऐसे जो एवरेज मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो अपने देश में सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए करो। और फिर उन्होंने वैसा किया, 3 साल तक उन्होंने किया, और फिर 3 साल के बाद वहां का जॉब खत्म हो गया। और बोले स्वामी जी आपने जो बताया अब मेरे पूरे जीवन में परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन आ गया, मन इतना शांत रहता है, बच्चे बच्चे जहाँ भी है अमेरिका में इधर उधर में, अब नथिंग डिस्टर्ब्स में। फिर क्या करते, सोते हो? बोले नहीं, अब मैंने, उन्होंने चारों वेदों का तमिल भाषा में भाषांतरण करके बहुत महत्व का काम किया है। देखो कभी भी रिटायर मत होना, टेक अप समथिंग विच विल कीप यू ऑक्यूपाइड क्रिएटिवली। इसीलिए माँ ते संगा अस्तु अकर्मणि, निकम्मे मत बनो, निकम्मे मत बनो, प्रोड्यूस वेल्थ टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। रिटायर होना ये महापाप है। देखो
हमारे एक मित्र बम्बई के, एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया से आया और 24 घंटे के अंदर ही फिर लंदन जा रहा था। बारिश के दिन थे, रात के समय बेचारे मुझे लेने आए एयरपोर्ट पर। उन्होंने कहा, स्वामी जी आप क्यों दौड़ा भागी कर रहे हो, ना तो आपके आगे कुछ है पीछे कुछ है, क्यों परेशान होते हो? तो मैंने बोला ठीक है, आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा इंग्लैंड का प्रोग्राम कैंसिल, आज के बाद मैं आपके घर आके रहूंगा। बोले नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, देखो महाराज, कीप योरसेल्फ ऑक्यूपाइड देन ओनली लाइफ इज फुलफिल्ड, ये अर्थ है अर्जुन को बताया। अब क्या करना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम जहां हो जो हो जब हो 100% रहो। इस समय तुम युद्ध के मैदान में हो, योद्धा हो और अब हो, तो इस समय युद्ध करने के स्थान पर अन्य कोई भी विचार आपके मन में आया तो उसका समर्थन मत करो। देखो ये है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, केवल छाप करके दीवारों पर लगा दिया पढ़ लिया उससे नहीं होता। वी हैव टू डिस्कवर हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट एंड अप्लाई दिस नॉलेज इन अवर डे टू डे लाइफ। रोज ये ज्ञान हमको अपने में अप्लाई करना है, और ऐसा जो व्यक्ति है वो उसका मूड कभी खराब नहीं हो सकता, ही इज ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। नहीं तो फिर वही है, उठ गए सुबह अब क्या करें क्या करें, तो बेचारी घर की बहू परेशान हो, बेटा आज ब्रेकफास्ट के लिए ऐसे करना मुगोड़ी के पकोड़े बनाना। जब आदमी बेकार होता है ना, खाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। जिन घरों में रिटायर्ड आदमी 24 घंटे बैठा रहता है उस घरों के माताओं का हाल देखो, वो महा दुर्भाग्यवान होती है, क्योंकि 24 घंटे सर पे बैठे हैं। निकल जाओ बाहर कहीं, नहीं तो यहां से चले जाओ इंदौर तक पैदल वापस आ जाए। 24 घंटे घर में बैठे 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 सबको परेशान कर देते, और फिर कहते देखो स्वामी जी आजकल के जो लोग है रिस्पेक्ट नहीं, क्या है रिस्पेक्ट करने में, हमने हमारी उम्र बढ़ गई, मुझे बताओ हमारी उम्र बढ़ने में हमारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, हमने क्या किया कि हमारी उम्र बढ़ गई? ये तो बेचारी पृथ्वी है सूर्य के अगल बगल में चक्कर काटती है और हमारी उम्र बढ़ रही है। एक बच्चे को मैंने पूछा कि बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है, स्वामी जी पृथ्वी ने सूर्य के अगल बगल में 5 फेरे लगाए, तो उसकी माँ कह रही स्वामी जी हमेशा उल्टा सीधा बोलता है। हमने कहा माँ वो ठीक कह रहा है, सूर्य जब एक चक्कर लगाता है तो 1 साल हो गया, दूसरा 5 चक्कर लगाए मैंने 5 साल का, उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? देखो, और इसीलिए जैसे जैसे ये समझ हमारी सूक्ष्म होती है वैसे वैसे हम एक साधारण व्यक्ति बनेंगे, एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बनेंगे। पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाया वैसा। फिर बच्चों के साथ चाइल्ड लाइक नॉट चाइल्डिश, जवानों के साथ कोका कोला ब्रांड, मिडिल एज के साथ हाँ ये करना है वो करना है ऐसा करना है, बुढ़ाओं के साथ जुगलबंदी रोने की और कंप्लेन करने की, देखो मेरे बेटे ऐसे निकले पता नहीं क्यों, मैंने क्या पाप किया था। देखो ये पाप की बात नहीं होती, ये DNA में होता है, ये DNA का चक्कर। हम कई बार जब जाते अमेरिका एक जगह गए थे, वो सज्जन गुजराती हमको खाने के लिए बुलाए, और फिर कहते हैं स्वामी जी हमारे लड़के को आप बुलाइए खाने के लिए, वो सो रहा है, फ्री में कुछ नहीं मिलता दुनिया में, तो हमको भेजा। हम उसके कमरे में गए,
बड़े बेड पर भुजंगासन में डायगनली वो सो रहा था। दोपहर को 12-1 बजे की गई, तो मैंने वापस आया, कहा कि देखो शायद बीमार होगा। बोले नहीं स्वामी जी, ऐसा ही है, मैं परेशान हो गया हूँ उससे, पता नहीं क्या करूँ। हमने चलो खाना खाते, नहीं आप खाइए खाना, मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है मैं खा रहा हूँ। और फिर शुरू हो गया वही बात, स्वामी जी बैक होम जब हम थे, तो जब पिताजी हमारे कमरे में आते थे तो हम उठ करके भाग करके दूसरे कमरे में जाते थे। और अब ये स्थिति है, जब लड़का मेरे कमरे में आता है तो मैं भाग के उठ के दूसरे कमरे में जाता हूँ। क्या लाइफ है! हमने कहा तुम दौड़ने के लिए पैदा हो गए मिल्खा सिंह, दौड़ते रहो, पहले बाप के कारण अब बच्चे के कारण, कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। देखो आज के जगत में बच्चों की क्या समस्या है हमको बताएं, उनके सामने कोई आदर्श नहीं है जिसको देख करके वो अपने जीवन में उत्साह को निर्माण करें। अभी हम ब्राजील से आए, वहां 4-6 जगह पर गए, पार्लियामेंट से लेकर हर जगह हम गए लेक्चर देने के लिए, और हर जगह एक ही प्रश्न। हमारे यहाँ ब्राजील में जवान लोग बहुत आत्महत्या कर रहे हैं, और करप्शन बहुत है, और क्राइम भयानक है, सभी घरों में जो कंपाउंड वॉल होती है उसके ऊपर में इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगा हुआ है, इतनी वहां क्राइम है। ऐसा क्यों हो रहा? हमने कहा इसका एक ही कारण है, यहाँ बच्चों को कोई आदर्श नहीं है सामने। अपने ही देश की कथा ले लो, एक व्यक्ति था भटीचर, महात्मा गांधी, उन्होंने ये स्वातंत्र्य के काम को पूरे देश को मोटिवेट किया था, तो कुछ आदर्श था ना। बच्चों के लिए घर में कोई आदर्श नहीं, बाप स्पिरिचुअल है सुबह से शुरू हो जाता है, माँ पढ़ती है ईव्स वीकली, काउज वीकली, डॉकीज वीकली, टॉकिंग ओनली अबाउट द फैशन शोज। अब क्या उन बच्चों के सामने आदर्श होगा? तो घर में आदर्श नहीं, टीचर चीटर है, टीचर नहीं है, वो यही देखते हैं कि तुमको पढ़ना है ना तो मेरे कोचिंग क्लास में आ जाओ, तुमको पास करेंगे, फिक्र मत करना, ये टीचर है। तो उनके सामने आदर्श ही नहीं है, और इसीलिए हम भटकते हैं। देखो महाराज, ये सब बातों को जब उतारो ना अंदर में, तब हमको एक बात समझ में आएगी, हम में से हर एक व्यक्ति किसी ना किसी के लिए एक आदर्श होता है। देखो मुंबई में एक जगह हम गए थे सबर्ब में, और कार में बैठे थे और ट्रैफिक में रुक गए थे, तो थोड़ा दूर फुटपाथ के पले एक छोटा सा बच्चा 3-व्हीलर ऑटो रिक्शा में बैठ करके ऐसे ही घुमा रहा था, खेल रहा था, तो मैंने उससे बात करना शुरू कर दी। हमने कहा हे तुम तो बढ़िया बना रहे हो, बड़ा होके क्या बनना चाहते हो? बोले मैं भी ऐसे एक रिक्शा लूंगा मेरे पिताजी के जैसी, और मैं भी चलाऊंगा करके, फिर मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, फिर मैं एक टैक्सी ले लूंगा और टैक्सी को ऐसा चलाऊंगा। अब ध्यान से सुनना, ऑटो रिक्शा वाला हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन उस बालक के लिए एक आदर्श है। जिस घर में माँ बाप आदर्श प्रस्तुत करते हैं, उन घर के बच्चे भटकते नहीं। जिस घर में बच्चों को फ्रेंड्स मिल जाते हैं, उस घर के बच्चे फ्रेंड्स ढूंढने के लिए क्लबों में नहीं जाते। ये हमारा कर्तव्य है। देखो तब जा करके हमारा भी जीवन का उद्धार होगा और सबका होगा। इसलिए कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूः, मा ते संगास्तु अकर्मणि। आगे कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवद गीता आपको समझनी है दो शब्दों में, केवल दो शब्दों में। तो कौन से दो शब्द है? पहला शब्द है
जीवन की समस्या का नाम है ममता. डोंट गो टू वेस्ट बंगाल. और जीवन के सभी समस्या के समाधान का नाम है समता. ममता को समता से रिप्लेस करें तो जीवन की सब समस्या समाप्त हो जाती है. कोई भी मार्ग ले लो आप. यहां कर्म की बात कर रहे हैं. योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो हो समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते. जगत में जो भी आप कर रहे हैं करो, लेकिन उस समय आपके मन का समत्व संतुलन कभी भी खराब न होवे, तब वो कर्मयोग है. कर्मयोग मैंने बहुत काम करना नहीं, जो भी आप कर रहे हैं करते रहो, लेकिन मन के संतुलन के साथ खेलना बंद कर दो. नहीं तो आदमी को गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, दूसरे के दोष निकालेंगे, उनके कारण ऐसा हो गया, इनके कारण ऐसा हो गया. ये कर्म करने की पद्धति नहीं है. इसलिए भगवान कहते योगस्थ गुरु कर्माणि, योग में स्थिर होकर के. और योग का तात्पर्य केवल ट्विस्टिंग द बॉडी इज नॉट योगा. नॉर्मली पूरे जगत में जाके देखो आप योगा का यही. अब हम दुनिया में घूमते हैं, कितने योगा स्टूडियो में हम गए, वहां एक ही बात होती है, योगा माने आसन. अमेरिका में एक बार हमारा कई लेक्चर खत्म हो गया, 3 दिन का रिट्रीट था. एक अंग्रेज आई, उसने अपना कार्ड निकाला मुझे दिया, तो मैंने कार्ड पढ़ा और पॉकेट में रख दिया. बोले डू यू हैव कार्ड? आई सेड नो आई डोंट हैव कार्ड. देन व्हाट डू यू डू? तो मैंने कहा उसके कार्ड में लिखा था योगा अंडर ट्री. अब ये कौन सा योगा है भगवान जाने. योगा अंडर ट्री. तो मैंने बोला कि मैं भी यही योगा सिखाता हूँ, थोड़ा फर्क है. क्या? योगा ऑन द ट्री. ऊपर चढ़ो और लटको. देखो योगस्थ गुरु कर्माणि का तात्पर्य है समत्वम योग उच्चते. देखो भगवान के शब्द. योग का तात्पर्य है किसी भी हालत में अपने मन के संतुलन के साथ खेलना नहीं, उसको योग कहते हैं. इसीलिए अगले अध्याय में भगवान बताते हैं योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है. यहां आत्मा शब्द का अर्थ अंतकरण है. आत्मशुद्ध है अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं. तो अंतकरण की अशुद्धि क्या है? राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कन्फ्यूजन मैं यही उसकी इम्प्यूरिटी है. इसको हटाने के लिए हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं. देखो योगस्थ गुरु कर्माणि. और कैसे करें? संगम त्यक्त्वा धनंजय. 3-4 प्रकार की आसक्तियां होती है. एक तो होती है कर्मासक्ति, दूसरी होती है कर्म फलाशक्ति, तीसरी होती है कर्तृत्वासक्ति. कई लोगों का ये होता है मैं ही करूंगा, किसी को कुछ नहीं आता. देखो इसके आपको 2 उदाहरण देंगे हम, एक कलकत्ते का एक दिल्ली का. अब कलकत्ते के बारे में, हम जहां रहते थे बहुत पुरानी बात है, हम बहुत आलसी हैं और फ्रूट्स को काटना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हाथ खराब हो जाते. तो हम जिनके साथ रहते थे एक बुढ़ाऊ थे 75 नॉट आउट साउथ इंडियन थे मल्याली. और मैं जानता था वो बड़े मेटिकुलस थे और मैं अपना खाओ पियो मौज करो का टाइप का. तो एक बार मैं फल लेके आया, भूख लगी थी और फल जब काटने के थे उन्हें यार फिर मुझे हाथ खराब हो जाएंगे. तो मैंने क्या किया, उनके सामने जाके बैठा, फल को धोया नहीं कुछ नहीं, चक्कू लाया और काटने वाला था तो चिल्लाए चुप ऐसा नहीं करते, ये कोई काटने का तरीका है. फट से उठ गए, ले गए फल, धो करके आए चक्कू और सब कुछ ठीक से धो के लाए, बैठे बैठे देखो ऐसा काटते. वो काटते कि मैं खाता गया. हर कार्य मैं ही कर सकता हूं.
learn to delegate powers to others. अच्छी मैं कर सकता हूँ. अब दूसरा उदाहरण देते, एक हमारे बंगाली मित्र दिल्ली के, वो उनकी पत्नी का देहांत हो गया, बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए. तो उनके स्टूडेंट थे आर्किटेक्ट के, उन्होंने कहा कि सर हमारे स्वामी जी के लेक्चर चलते, आप आइए ना. तो जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो सत्संग में पहुंच जाता है, अपने में झांक के देखो. तो वो भी आना शुरू कर दिए. और फिर धीरे 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 हमसे बड़े क्लोज हो गए, हम कोई ले जाते थे आगे. फिर हमारी वहाँ से ट्रांसफर हो गई, निकल गए वहाँ से. फिर मुझे कह गए स्वामी जी अब मैं क्या करूँ. हमने कहा राम, ये रामकृष्ण परमहंस का जो ये है वचनामृत, उसका अध्ययन करो, रोज एक एक पढ़ा करो. फिर दो चार साल के बाद कहीं हमको एयरपोर्ट पर मिले, बोले स्वामी जी आपने पूरे लाइफ को बदल दिया. मैंने क्या किया भैया मैंने. फिर उन्होंने बताया जब भी कोई मीटिंग होती थी उस मीटिंग में केवल मैं ही बोलता था, सबको डिक्टेट करता था और बिटरनेस फ्रस्ट्रेट होकर घर आता था. और फिर पत्नी के साथ रह करके शांत होता, लेकिन पत्नी चली गई, अब मैं फ्रस्ट्रेट रहता था. आपकी एक टेक्निक मैंने अप्लाई, हमने कहा मुझे भी बताओ मैं भी अप्लाई करूँ. कौन सी टेक्निक है? फिर उन्होंने ये मुझे बताया, वो आर्किटेक्ट है, टाउन प्लानर. बोले मैंने इस समय क्या किया, वो पूरा प्लान टेबल पर रख दिया और जितनी मेरे सबॉर्डिनेट थे आर्किटेक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर सबको कहा कि भाई अब आप लोग एक 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 इसके बारे में बोलो, जो कुछ बोलना है मैं सुन रहा हूँ. और मैंने उस दिन नियम कर लिया मैं बोलूँगा नहीं. एक ने बताया, दूसरे ने बताया, तीसरे ने, सब ने अपने अपने व्यू दे दिए. फिर मैंने कहा कि देखो अब आप लोगों ने डिसाइड तो किया है, सब मिला करके क्या कंक्लूजन निकलता है वो बताओ, मैं जरा बाथरूम होके आ रहा हूँ. और मैं चला गया और एक दो घंटे के बाद आया, जानबूझ के उनको टाइम देना था. और आने के बाद उन्होंने कहा सर हम सबका डिस्कशन के बाद ये कंक्लूजन निकला है. और स्वामी जी मैं आपको बताऊँ That was my conclusion. What they have arrived at. लेकिन अब फर्क क्या था, पहले मेरा काम था वो करते थे, अब ये उनका काम है वो कर रहे हैं. Less of I, more of we. देखो मनुष्य को लगता है सभी बेवकूफ है, नहीं. बंद घड़ी भी दिन में दो बार ठीक टाइम देती है ना, दो बार. किसके पास से क्या अच्छे विचार मिलेंगे उसको स्वीकार करें. तो हर चीज मैं ही करूंगा, इसको कहते कर्तृत्व आसक्ति. दूसरी है कर्म फलाशक्ति, मैंने जो किया इसका इतना फल मिलना ही चाहिए. देखो ये कर्मफल अनेक सिद्धांतों पर अवलंबित होता है. जैसे हम लोग यहाँ आए, इसमें अपना कंट्रीब्यूशन कितना है. देखो हम जब निकले तो बारिश नहीं हो रही थी, कहीं स्ट्राइक नहीं था, कहीं गुंडागर्दी नहीं हो रही थी. यहाँ पहुँचे आपको हार्ट अटैक नहीं आया, यहाँ आप आके बैठे नींद नहीं आ रही. दिस जस्ट एग्जाम्पल. देखो और यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ सुनने के पैसे भी नहीं पड़ते. कितनी फैक्टर है उसमें हम आगे, हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है. लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते. इस प्रकार से जीवन में जीते समय ये दूसरी जो आसक्ति है कर्म फलाशक्ति, इससे अपने आप को मुक्त करें. यही कहते हैं संगम त्यक्त्वा धनंजय. कर्म के साथ रहो लेकिन आसक्ति के रहित. और तीसरी आसक्ति होती है अकर्तृत्वाशक्ति. कई लोगों का होता है मैं तो कुछ करता ही नहीं, भगवान की दया से हो जाएगा. देखो ये भगवान को परेशान मत करना. इसका आपको उदाहरण देते, एक बार हम गए थे गांव में कहीं और खेती में खड़े थे और शाम का समय था, 4 बजे का 3 बजे का, बच्चों की छुट्टी हो गई और बच्चे उसी जगह से जा रहे थे जहां हम खड़े थे. वहाँ एक आम का पेड़ था,
और एक बच्चा आया, उसने पत्थर मारने का प्रयत्न किया आम को तोड़ने के लिए, एक दो पर ड्राइव नहीं है चला गया, दो चार बच्चे ही चले गए, एक बच्चा आया और उसने मारने का शुरू कर दिया पत्थर आम को, नहीं गिरा, दूसरा मारा, तीसरा मारा, नहीं गिरा, चौथा उसको लगा, फिर भी उसने छोड़ा नहीं। फिर वो उस पेड़ पर चढ़ने का प्रयत्न कर रहा था, चढ़ के मैं निकालूंगा आम को, फिर गिर गया, फिर वो चढ़ गया। तो जब मैं ये देख रहा था, हमने कहा वेट ए मिनट यार, फिर मैंने उसको उठाया पैरों से एकदम, आप तोड़ ले, आप मेहनत करो तो भगवान की हेल्प आती है। और आप ये कहो कि भगवान होंगे तो सब सफल होगा, भगवान को अच्छे काम है, देखो भगवान के प्रति समर्पण का तात्पर्य आलसी निकम्मा बन करके भगवान को परेशान करना नहीं है, मेहनत करो और सफलता का पूरा श्रेय उनको दे दो, आपका मैं अपने आप शांत हो जाएगा। इसीलिए कर्तृत्वाशक्ति, अकर्तृत्वाशक्ति, कर्माशक्ति और कर्मफलाशक्ति संगम त्यक्त्वा धनंजय, फिर सिद्ध सिद्धियों समूह भूत्वा। अभी देखो इसका सूक्ष्म अर्थ क्या है, सिद्धि असिद्धि, काम सफल हुआ, काम सफल नहीं हुआ का मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपको कर्म करने में ही आनंद आ रहा है, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, जो नतीजा निकलेगा प्रभु इच्छा, आप तो रिलैक्स हो गए। लेकिन हमारी परेशानी यही रहती है कि वी वॉन्ट टू प्लीज द होल वर्ल्ड। एक अंग्रेज ने मुझे पूछा इंग्लैंड में, स्वामी जी आई वॉन्ट टू बी लाइक यू। हमने कहा कि अम्मा तुम मेरे जैसे नहीं बन सकते। हमने क्यों नहीं बन सकते, दाढ़ी कहाँ, लॉन्गर द बियर्ड कन्फर्म्ड इज द विजडम, शॉर्ट बियर्ड डाउटफुल विजडम, नो बियर्ड नो विजडम। आप तो मजाक ही उड़ाते हैं। हमने कहा देखो तुम्हारे लाइफ मॉल में तुमको क्या है, यू आर स्ट्रगलिंग इन टू एरियाज, फर्स्ट एरिया यू आर ट्राइंग टू प्रूव something to someone, don't try to prove anything to anybody, be answerable to your own conscience। ये जो दूसरे को दिखाने के लिए, to prove करने के लिए मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं, such people are goody goody rogues। ये जो इसको कहते हैं holy crooks, ये शब्द मैंने एक लड़की से सीखा। अब किसी के यहाँ थे, खाने पीने हो गया और हा हा हू हू बात हो रहे थे सब कुछ, और सब बिल्कुल सबके साथ मिल मिला करके, कोई चक्कर ही नहीं, कोई हमारे बगल में बैठा है, हमारे थाली से कुछ खाता है, सब कुछ चल रहा है। जब निकल रहे थे तो उस लड़के ने कहा, कॉलेज की लड़की होगी या स्कूल की होगी 12-15 साल की, वो कहते स्वामी जी आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। आई सेड हू केयर्स, टेल, आई डोंट टेल ही, व्हाट्स वर्ड, दीज आर हर वर्ड्स, स्वामी जी यू आर नॉट ए होली क्रूक। हमें प्लीज एक्सप्लेन दिस वर्ड, होली क्रूक माने क्या, हमारा होना यदि किसी अन्य को बोझा हो जाता है तो वो होली क्रूक है। देखो कल भी आपको बताया था अध्यात्म का तात्पर्य अपने में विशेषता निर्माण नहीं करनी, ये विशेषताओं के कारण ही हम सबसे अलग हो जाते हैं। देखो तो सिद्ध सिद्धियों समूह भूत्वा माने ये समझदारी, अपने तरफ से प्रयत्न करें, सिद्ध हो गया हरी इच्छा, नहीं हुआ हरी इच्छा, नेट रिजल्ट समत्वम, माइंड विल रिमेन इक्विपॉइज ऑल थ्रू, समत्वम योग उच्चते। तो कर्म का तात्पर्य मन को संतुलित रखना, योग का तात्पर्य मन को संतुलित रखना, उपासना का तात्पर्य मन को संतुलित रखना, ज्ञान का तात्पर्य मन को संतुलित रखना। देखो ज्ञान के लिए भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्थिति शुनि जैव स्वपाके च पंडिता सम दर्शिनः, सम इक्वानिमिटी, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माते ब्रह्मणि स्थिता, परमात्मा भी एकदम समत्व में स्थित है, जैसे आकाश
सभी आकार विकार प्रकार संस्कार के प्रति एकदम कोई भी अच्छा नहीं बुरा नहीं। तत्व को समझना है तो तत्व क्या है? निर्विरोध सत्ता। जैसे आकाश का किसी के भी प्रति विरोध नहीं है और साथ साथ किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। देखो, और यही अपने पे लगा लो, तुरंत हमारी दृष्टि सभी रूप रंग का आधार है, किसी के विरोध नहीं है लेकिन किसी रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होती। हमारा मन सभी वृत्तियों का आधार है, अच्छे विचार भी मन में आते हैं, बुरे विचार भी मन में आते हैं, मन किसी भी विचार का वृत्ति का अपोज नहीं है। उसी प्रकार से शुद्ध चैतन्य जो है हम, यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि किसी के विरोधी नहीं है। जब इसको हम समझेंगे तो मेडिटेशन में फ्रस्ट्रेट नहीं होगी, कर्म में सफलता विफलता के कारण सुखी दुखी नहीं होगी। देखो, सिद्धि सिद्धियो समूह भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आगे कहते हैं, दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरण मन्विच्य कृपणा प्रहेदवा। दूरेण ही अवरम कर्म, भगवान कहते हैं ये जो कर्म कर्म करते हैं ना, इसमें ज्यादा मत फंसो। कर्म कोई अच्छी बात नहीं है। देखो, ये जो अनेक धर्म है उसमें कर्म को ज्यादा ही महत्व दिया जाता है, विशेष करके बुद्धिज्म, जैनिज्म और सनातन धर्म हमेशा कर्म की बात करते हैं। एक बार हम शायद डेनमार्क में या कहीं थे, हमारे साथ हमारे मित्र थे, उनकी पत्नी और दो बच्चे, हम गए थे घूमने। तो एक जगह रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे तो हमने देखा गूगल में कहाँ रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट का नाम मिला कर्मा, वहाँ गए। बोले स्वामी जी ये मेनू है, क्या ऑर्डर करूँ आपके लिए? हमने कहा कर्मा में आए ना, आपको प्रारब्ध ही मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। देखो, कर्म को ज्यादा महत्व मत देना। जहां आपने कर्म को महत्व दे दिया है उतना आपका मैं बड़ा स्ट्रांग होता है। तो दूरेण हिवरम कर्म, किससे? बुद्धि योगा धनंजय। बुद्धि योग माने समझदारी से जीना। मैकेनिकली नहीं, जितनी आपकी समझदारी होगी उतने आप स्वरूप के पास होंगे। ना समझी से ही उससे दूर जाते हैं। तो दूरे नहीं वर कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरण मन्विच्छ। इसीलिए हे अर्जुन, समझदारी से जीना शुरू करो। बुद्धो शरण मन्विच्छ, बुद्धि माने समझदारी। किसी व्यक्ति को यदि हमको तारीफ करनी है तो हम कैसे तारीफ करते? ये बड़े बुद्धिमान है। कभी कहते क्या? ये बड़े मेंटल है। देखो, माइंड और बुद्धि, माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये दो स्थितियां हैं विचारों की। जब विचार हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, ये करो कि नहीं करो, पता नहीं करने से होगा कि नहीं, ऐसा करते नहीं करेंगे यार, थोड़े देर तो करना ही चाहिए ना, सभी जा रहे सत्संग को, मैं क्यों नहीं जाऊं, ऐसा हर बार जा ही आते हैं, लेकिन आज तक नहीं किया तो मुझे समझ में आएगा क्या बीच में से ही? आई थिंक आई शुड नॉट गो, लेकिन लोग कहेंगे अच्छा है जाना चाहिए, चलते बढ़ते। ये जो स्थिति है मन की, इसको कहते हैं मन, विचारों के संदेहात्मक स्थिति को मन कहते हैं। फिर निर्णय हो गया, नहीं जाएंगे पड़े, ये निर्णय हो गया, ये बुद्धि होगी, बुद्धि निश्चयात्मिका होती है। तो यहां कहते बुद्धो शरण मन्विच्छ। पहले एक मैनेजमेंट का आपको रूल बताते हैं, प्लान योर वर्क एंड देन वर्क योर प्लान, डोंट गो ओनली प्लानिंग। देखो, बुद्धो शरण मन्विच्छ। अब बुद्धिमत्ता क्या है? बुद्धिमत्ता यही है कि जगत में रहे सबके साथ
बढ़िया से बढ़िया जीवन जिए लेकिन कहीं फंसे नहीं, उसके लिए सिद्धांत क्या है, वही मंत्र मैं 25 बार रिपीट करवाऊंगा, जहां हो जब हो जो हो 100% रहने का अभ्यास करें। रोटी बना रहे हैं तो प्यार से रोटी बनाओ ना, पढ़ाई कर रहे हैं तो एकाग्रता से पढ़ाई करो, घूमने गए तो एंजॉय करो। लेकिन हमारी स्थिति ये है जो हम करते हैं उसके साथ कभी नहीं रहते, जहां हम होते हैं वहां कभी नहीं रहते, जो करने के लिए आए वही भूल गए और फिर कंप्लेन करते हैं ये पता नहीं मन भटकता है। आपने ट्रेनिंग किया है मन को, हम बताएं हमने अपने मन की ट्रेनिंग को कैसे समझा। बहुत पुरानी बात है, हमको जब गायत्री मंत्र का दिया था उपदेश बताया था, देखो 11 बार गायत्री का जप करना, केवल 11 बार हाथ में माला लेकर के, लेकिन उच्च स्वर में करना, मन के मन मत करना, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसा धीरे धीरे 11 बार करना। लेकिन शिष्य कौन होता है, जो गुरु की बात मानता नहीं वो शिष्य होता है, तो मैं शिष्य था क्योंकि अपने आप को 30 बार का समझते हैं। केवल 11 बार क्यों, मैं तो 108 बार कहूंगा और जो सीख गया लोगों को थोड़ी दिखाना है, मन में करूंगा। और शुरू हो गया, बैठे हाथ में माला लेकर के, अब मन की क्षमता 5 बार कहने की नहीं है, उस मन को 108 बार करने के लिए लगा दिया। फिर हमारे मदद के लिए स्टीव जॉब और बिल गेट्स आ गए। कैसे आ गए, फिर हमारे मन में खिड़कियां खुलनी लग गई, एक खिड़की में जप चल रहा है ओम भूर्भुवस्वः, दूसरी खिड़की में विचार चल रहे हैं ये रोज के रोज कपड़े धोना, यहाँ ये आश्रम में मशीन क्यों नहीं लगाते, क्या कपड़े धोने के लिए हम आए, हम तो वेदांत पढ़ने के लिए आए। और तीसरी खिड़की रोज के रोज इडली सांभर इडली सांभर, तंग आ गए, अब तो नींद में भी इडली ही दिखती है और कुछ नहीं दिखता। एक के बाद एक खिड़कियां खुलने लग गई और एक खिड़की में चल रहा है ओम भूर्भुवस्वः। ये हमने धंधा 1 दिन ने 2 दिन ने 6 महीने तक किया। फिर एक दिन हमने कहा यार हम बेवकूफ बन रहे हैं, फिर क्या करें, मारो गोली सब चीज को, हम मंत्र का जप नहीं करेंगे। एकदम मन शांत हो गया। पहले क्या किया हमने, हमने मन को ट्रेनिंग दिया है कि एक खिड़की में ये करो, दूसरी खिड़की में वो करो, तीसरी खिड़की में वो करो। और देखते हैं आप, when many windows are open, the speed of your computer goes down. Only one window can be made activated at a time, not all the windows. इसी प्रकार से यहां बताते हैं बुद्धो शरण मन्विच्छ, एक बार एक काम करो ना। तो जैसे यहां हम आए इसलिए आए सुनने के लिए, तो केवल सुनो, लेकिन instead of remaining as a shrota, we become sota, या we become sarota, घटे जा रहे घटे जा रहे। ये महात्मा ऐसे कहते, वो आत्मा कैसे, पता नहीं क्या ठीक है, हम तो बेवकूफ बने जा रहे हैं, किसी किसी चल रहा है अंदर में। मनुष्य का मन कैसे हो, दर्पण तुल्य, केवल स्वीकार करना है, किसी का तिरस्कार नहीं। श्रवण करने की प्रक्रिया बहुत सुंदर है। श्रवण करते समय हमको बंदर के जैसे होना चाहिए। बंदर की बात सीखने तो हमारे वृंदावन में चले जाओ, वृंदावन में स्वतंत्रता से रहने वाले जो है प्राणी उनको नाम बंदर है, और डर डर के जो जीते हैं वो आदमी है। किसी के भी घर में चारों तरफ से लोहे की बड़ी बड़ी जाली लगी हुई है, बंदर घुस जाते हैं। बाहर में भी चलो आप, आके चश्मा ले जाएंगे आपका। पहले जब बंदर डिजिटल नहीं हुए थे
तो उनको फल दे दो तो वापस कर देते, अब फल देने से वापस नहीं करते, लड्डू देने से वापस नहीं करते, उनको फ्रूटी चाहिए और वो भी एक फ्रूटी से नहीं दो फ्रूटी चाहिए। तो जहां जहां बंदर होते हैं उस मंदिरों के पास ये दुकानदार फ्रूटियां रख देते काफी अलग। तो किसी का चश्मा ले गए, अभी हम गए थे एक हमारे मित्र उनका चश्मा ले गए, तो तुरंत फ्रूटी फ्रूटी ले लो, फट से वहां से फ्रूटी ले ली, फेंकी उसके साथ दो फ्रूटी, पहली फेंकी तो देखता है दूसरी कहाँ गई, या दूसरी फेंकी तो फिर उसने चश्मा फेंक लिया। कितनी सिंपल बात है, हमारा मन इस बंदर के जैसा है, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां, और फिर कहते समझ में, कैसे समझ में आएगा? तो बुद्धो शरण मन विच, इतना ही करो महात्माओं, अपने जीवन में यही साधना है एकदम, केवल जो कर रहे जब कर रहे पूरा इसमें लग जाओ। उसके कारण आपके मन पर कोई टेंशन नहीं रहेगा। आपको समझो सुई में धागा डालना हो तो उस समय हमारे मन की स्थिति क्या होती है, सबसे अपने मन को हटाया, धागा ले लिया, उसको थूक लगाई और उसको फिर कड़क किया और फिर वो ले ली सुई, उसके छेद को देखा और उस समय आप डाल रहे हैं और कोई पूछता है मम्मी पानी कहाँ है, अरे राम डूब गए छेद में जाते ही नहीं। मन इतना सहजता से उपलब्ध होवे तो आपके सामने कोई भी समस्या नहीं आती। मन की अक्षमता को समस्या कहते हैं, मन की क्षमता को सक्सेस कहते हैं। तो बुद्धो शरण मन विच कृपणा फलहेतवा, कृपणा फलहेतवा माने हमेशा मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। एक सज्जन हमको वृंदावन में मिले, बोले स्वामी जी आप हमको बताइए भगवान का नाम लेने से क्या मिलता है। तो मैंने कहा तुम बनिया हो क्या, बोले आपको कैसे पता चल रहा, तुम्हारे विचारों से बनिया कौन है, हर जगह यही प्रश्न है क्या मिलेगा। हमने कहा देखो महात्मा जी, भगवान का नाम जब अपनी वाणी में अवतरित होता है तो भगवान का नामावतार होता है, उससे कुछ मिलता नहीं, सबका फल यही है। भगवान के नाम लेने से कुछ नहीं मिलेगा, भगवान का नाम वाणी पर आ गया यही जीवन की कृतज्ञता है। तो साधना करके क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ये पूरा जीवन केवल त्याग का है। रोज का जीवन देखो अपने आप, और इसको कहते हैं कृपणा फल है दवा, मुझे क्या मिले, कुछ नहीं मिलेगा, तब है ही मत तो आ जाओ। जैसे किसी को सोना है तो क्या करना, सबको छोड़ो तभी सो जाओगे ना, जो छोड़ नहीं सकता सो नहीं सकता। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बात मन में आती है तब आपको हमारा सिद्धांत समझ में आएगा। आपका सिद्धांत क्या है भाई, हमारा सिद्धांत है लाइफ इज अ टाइम पास, कर्म से कुछ नहीं मिलता हमको, कर्म हमको बिजी रखते हैं। ए बिजी पर्सन इज ए हेल्दी पर्सन, ए क्रेजी पर्सन इज ए लेजी पर्सन। इसीलिए कृपणा फल हेतवः, हमेशा यही विचार नहीं करना ये करने से क्या मिलेगा क्या मिलेगा। हमको पूछते लोग स्वामी, एक बार एक बच्चों का कैंप था, 250 बच्चे थे, खूब धूमधड़ाके से हुआ, और जब वो बच्चों को ले जाने के लिए उनके माँ बाप आए तो बच्चे तो बच्चे ही खूब चिपक जाते थे, रोते थे स्वामी जी अब हमारे घर चलो ना। तो एक मामा जी थे उसमें, तो वो मामा देख रहा था, मामा ने कहा कि स्वामी जी मुझे आश्चर्य हो रहा है, हमारे घर में दो बच्चे हैं राक्षस हैं, हम परेशान हैं उनसे, मुझे 250 बच्चों के साथ आप एक हफ्ते तक रहे कैसे रहे, और क्या मिला आपको इसमें। हमने कहा मैं बताऊं, बोले हमारे कारण यदि
किसी के जीवन में दो क्षण के लिए आनंद की हंसी फूटे तो हमारा जीवन कृतकृत्य हो गया। देखो क्या मिलेगा नहीं, हमने क्या दिया है दुनिया को, देने में जो सुख है वो लेने में नहीं है महाराज। देखो ये तो हमेशा यही बात, क्या मिलेगा क्या मिलेगा, खाक मिलेगा। इसके पश्चात भगवान बुद्धि शब्द का कितना उपयोग करते हैं, इसमें भी कहते हैं बुद्धो शरण मन्विच्य कृपणा फल हेतवः, और आगे कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मान योगा युज्यस्व योगा कर्म सुखौषधम कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंता से निर्वीरम श्रोतव्य से श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि ही तदा योगम अवाप्स्यसि। देखो कितना महत्व दिया बुद्धि बुद्धि बुद्धि, जीवन में समझदारी सबसे श्रेष्ठ है। मैकेनिकली कर्म करना ये मशीन का काम है। देखो तो यह जो बुद्धि का महत्व है कैसे अपने जीवन में उसका प्रयोग करें और उसका हमारे जीवन में क्या परिणाम होता है, ये विषय हम कल देखने का प्रयत्न करें। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति, हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः।